नमस्कार, मैं हूं कृति राज और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मुंबई राजकुंद्रा मामले में आए दिन नए नए खुलासे होते रहते हैं। इसी बीच अनुमान लगाया जा रहा था कि मुंबई राजकुंद्रा के मामले में राजकुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी को भी शक के दायरे में समन भेजा जाएगा, लेकिन इससे पहले ही शिल्पा शेट्टी ने राजकुंद्रा के वियान इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा बताया जा रहा कि उन्होंने शक के दायरे में आने से पहले ही उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के द्वारा यह पता लगाया जा रहा कि क्या शिल्पा शेट्टी भी राजकुंद्रा के मामले में शामिल है या नहीं, क्या उन्हें भी उस पैसे से कोई लाभ मिल रहा था या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा, साथ ही साथ शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट्स की भी जानकारी निकाली जा रही है। ऐसा बताया जा रहा कि राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट उन्हें शनिवार को कोर्ट में पेशी करने के लिए ले जा रही थी, उससे पहले ही राजकुंद्रा के समेत 11 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद कोर्ट में पेशी की जाएगी। कोर्ट में पेशी से पहले ही यह खबर सामने आता है कि राजकुंद्रा करीब 121 पॉर्न वीडियोस को इंटरनेशनल लेवल पर बेचने भी वाला था, जिसकी कुल कीमत 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बाकी इससे जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। रांची।